दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता जो है वो आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके बीच में ही एक घमासान युद्ध चल रहा है जिसको ये लोग आपस में ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक मंच लगा हुआ है और जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बीच एक महिला नेत्री जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो इस मंच पे आ जाती है और उसके बाद किस तरीके से मैक छीना छीनी जो है वो आपस में ही होने लग जाता है। मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। ये सब मामला जो है वो टिकट को लेकर है कि टिकट किसको मिलेगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए इस वीडियो को। माँ विंध्यवासिनी की धरती से युवा साथियों, बुजुर्ग साथियों, माताओं और बहनों, यह यात्रा 19 तारीख से शुरू होने के बाद जिस तरह से विभिन्न जनपदों से चौराहे चक्की से होते हुए आपके बीच में आई है, तो वीडियो देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता जो है वो आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक मंच के ऊपर खुलेआम जहाँ पे लोग बैठकर सुन रहे हैं वहां पे ही ये लोग आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालत हो गया भारतीय जनता पार्टी का। आपने देखा किस तरीके से एक महिला नेत्री जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो जैसे ही मंच के ऊपर चढ़ती है उसके बाद जो दूसरे जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो भाषण दे रहे थे उनसे एक दूसरे लोग जो है वो जाकर मैक छीन लेते हैं। इन लोगों को लगता है कि अब ये आ गई है तो टिकट मिलना हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा कुछ आप भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मूर्ति छीनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है और ये सब चुनाव से पहले का सीन है। हो सकता है चुनाव आते आते ये लोग आपस में ही लड़ने कटने लग जाएंगे। तो आप क्या राय रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जो इस तरीके से आपस में ही लड़ रहे हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।